हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईएएस मेंटरशिप। आई वेलकम यू ऑल टू द ज्योग्राफी एंड दैट इज क्लास 8। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी क्लास 6 एंड ज्योग्राफी क्लास 7 एज वेल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव डन रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस। इफ यू हैवंट डन इट, please go and watch the previous lectures, otherwise you won't be able to understand the new terminologies, right? So let us start with the chapter number 1, that is about resources. So basically, what you know about resources, what you think, what is this resources, what are they, resources kya hote hain? Dekhiye, रिसोर्सेज का अगर आप वर्ड को ब्रेक करेंगे, सो वॉट यू विल सी, टेल मी, इफ यू ब्रेक द वर्ड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, अंडरस्टूड, क्लियर? सो बेसिकली वॉट डज इट मीन, वी आर यूजिंग ए पर्टिकुलर सोर्स अगेन एंड अगेन, यही मतलब हुआ ना। हम एक सोर्स को रिसोर्स कर रहे हैं, रिसोर्स कर रहे हैं, वी आर रिसोर्सिंग इट समथिंग। तो बेसिकली इट इज दोज थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टूड, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए जो है इसको रिसोर्सेज बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। Anything that can be used to satisfy a need is resource. Okay? What is resource? ऐसी चीज जो हमको satisfy करे, that is resource. It can be your air, it can be your book. Okay? It can be human as well. Human beings can also be a very important resource. इसीलिए एक human resource एक subject भी है, it's a very beautiful subject. तो बेसिकली रिसोर्स का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी चीज़ है जो हमको सेटिस्फाई करेगी। अब कौन सी चीज़ हमको, कौन सी चीज़ रिसोर्स बनाती है? भाई आप मेरे को बताइए कि एक पेंसिल है वो डस्टबिन में पड़ी हुई है, क्या वो रिसोर्स है? तो ये पेंसिल रिसोर्स कब बनेगी? व्हाट आर द थिंग्स दैट विल मेक ए रिसोर्स? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड For anything to behave like a resource is your utility or usability. अब ये utility और usability क्या है? What do you mean by this? Basically, utility का मतलब ये है कि वो कितना ज़्यादा use में आ रहा है। उसी को आप दो, जो synonym लिखा गया है usability पे ध्यान दीजिए। What is usability? कि कोई भी ऐसी चीज़ का कितना use है। ओके, दैट इज योर यूजेबिलिटी। एग्जाम्पल वाटर, टेक्स्ट बुक, एट्सेट्रा, क्लियर? मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज कितना ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, कितना ज्यादा यूजफुल है, उससे हम बता सकते हैं कि वो रिसोर्स है कि नहीं है। मतलब कि रिसोर्स आर हैविंग मोर यूटिलिटी, मोर यूजेबिलिटी। Some resources are having economic value, but some do not have. For example, metals may have an economical value, but beautiful landscape may not. But still, they both satisfy human needs and they both are resources. Very important point. कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई resource हमको economic benefit दे, पैसे के मामले में benefit दे। जैसे मान लीजिए metal हुआ, metal से कितने सारे आप चीज़ें बना के आप उसको मार्केट में बेच सकते हो, यू कैन अर्न मनी। बट ब्यूटिफुल लैंडस्केप है एक, ठीक है, ब्यूटिफुल लैंडस्केप है, दैट इज़ नॉट हैविंग एनी इकोनॉमिकल वैल्यू, उसको आप बेच नहीं सकते हो। अब टूरिज्म अलग चीज़ होगी कि आप टूरिज्म सेक्टर से आप यू आर अर्निंग मनी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अभी आप नॉर्मल एग्जाम्पल समझिए। तो दोनों जो है एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों जो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि एक रिसोर्स हो गए ये, मतलब ह्यूमन, मतलब कि रिसोर्स है, मतलब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे वो इकोनॉमिकल ना हो, क्लियर? तो ये आपका ध्यान में रखना है, यही बेस है। सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम।
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय समय के बाद जो है इकोनॉमिकल वैल्यू पोजेस करने लगते हैं। नाउ एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया गया है एनसीईआरटी में, देखिए कि ग्रैंड मदर्स की होम रेमेडी, जैसे आपको चोट लग जाती है तो अगर अगर अभी अभी का सिचुएशन क्या हो रहा है, व्हेन यू गेट हर्ट, अब आप बैंडेड लगाओगे, उसमें कुछ केमिकल क्रीम लगाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा ऑइंटमेंट्स लगाओगे, वो करोगे। बट नाउ अब क्या हो रहा है कि बहुत पुराने पुराने भी जो हमारे ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स जो बनाते थे, ठीक है, आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथी और ऑल दीज थिंग्स, अब वो जो है पेटेंट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग पेटेंटेड एंड दे आर सोल्ड इन द मेडिकल फॉर्म एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, सो दिस इज ऑल्सो ए रिसोर्स, दिस टाइप ऑफ रिसोर्स। अभी तक हमने तीन टाइप का पढ़ा, जो इकोनॉमिकल वैल्यू के हो सकते हैं, जो इकोनॉमिकल वैल्यू के नहीं हो सकते हैं, और तीसरा है जो टाइम के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू में आ सकते हैं। अब देर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू नॉर्मल रिसोर्सेज। कैसे सब्सटेंस, नॉर्मल सब्सटेंस को एक रिसोर्स में बदल सकते हैं। पहला है टाइम, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, है ना, ये भी एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है टेक्नोलॉजी, ये जो दो टी है ना, बहुत ही खतरनाक चीजें हैं ये। अगर दीज टू टीज आर यूज इन सच अ वे, बहुत स्मार्ट तरीके से अगर यूज किया गया हो या किया जाए, तो ये किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन देम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वाई। देयर आइडिया सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, देयर नॉलेज सेटिस्फाई, देयर इन्वेंशन, डिस्कवरीज एंड क्रिएशन ऑफ, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो रिसोर्स को डेवलप किए हैं। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग आर आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM करके एक सब्जेक्ट भी है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर डूइंग MBA। ओके, ईच इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर, हर एक इन्वेंशन दूसरे इन्वेंशन का आइडिया लेके आता है ऑब्वियसली। जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, है ना, देखो फायर आया तो कुकिंग आई एंड अदर प्रोसेसेस, व्हाइल इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक इन्वेंशन से दूसरे आइडियाज भी डेवलप होते हैं एंड इंटर रिलेटेड होते होते एक चेन बन जाती है रिसोर्सेज की। ओके, नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर IAS मेंटरशिप प्रोग्राम, इट्स अ वेरी वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम। You will have a best strategy, complete material. You will have continuous session with toppers also and many other things. You can pause the screen and watch it. This is our IAS mentorship program. And the students who want mentorship since the start of their preparation, base se lekar Z tak, wo unke liye hai IAS mentorship foundation program. Theek hai? Aap इस नंबर पे कॉल करके क्वेरी करिए, अपने प्रोग्राम के बारे में समझिए एंड देन टेक ए डिसीजन टू इनरोल इट। ऑलरेडी हमने बहुत सारे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, 15 जून का भी बैच ऑलरेडी चल रहा है, अभी जुलाई में भी बैचेस हम लॉन्च कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो लेटेस्ट बैच के बारे में जानने के लिए आप गिवन नंबर पे कॉल करिए, और आप जितने भी फोटोज देख रहे हैं, ये हमारे रियासत अली सर हैं, ही विल ओनली बी योर मेंटर and he has helped many students to crack CSE examination. So if you want that a mentor should be there in your preparation, so you can definitely enroll in this program. Let us move ahead and understand the type of resources. Okay, see, now there are many types of resource, understood? Open resource, natural resource, ह्यूमन मेन रिसोर्स, वॉट इज दिस आई डोंट नो, लीव इट। ओके, हाँ, यू ओपन नेचुरल ह्यूमन मेड, क्लियर। अब ह्यूमन रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमने नहीं बनाए हैं, नेचर हैज गिफ्टेड टू अस और वी आर यूजिंग इट इन दैट वे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। क्लियर, तो ये होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्स विच आर कमिंग नेचुरली एंड वी आर यूजिंग इट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। अब जैसे पानी है,
पानी आ रहा है हम उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पानी आ रहा है फिर उसमें आप कुछ अपना मिला रहे हो, है ना, नमक मिला के रहे हो फिर आप इसको यूज कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। नॉर्मल जैसा जो आपका H2O आ रहा है आप उसको H2O के फॉर्म में ही यूज कर रहे हो, दैट इज योर नेचुरल रिसोर्स। ओके, अब रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ह्यूमन रिसोर्स, वो आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स आता है। अब ये हम नेचुरल रिसोर्स से अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हुए अगर कोई चीज बनाते हैं तो वो ह्यूमन मेड हो जाती है। जैसे बिल्डिंग हो गया, अब बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, राइट। अब आप बोलोगे मैम इसमें नेचुरल रिसोर्स कहाँ है, भाई बिल्डिंग है तो पानी का यूज होगा ना कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट, पानी, है ना, ऑल द थिंग्स आर यूज्ड अप हियर, नेचुरल रिसोर्सेज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उसको ह्यूमन रिसोर्स का दिमाग लगा के, मतलब आइडिया क्रिएट करके, नॉलेज के थ्रू, मोर टेक्नोलॉजी के थ्रू, वी आर मेकिंग अ न्यू टाइप ऑफ रिसोर्स, दैट इज योर बिल्डिंग, ब्रिजेस, लो रोड्स, तो इसीलिए ये हो जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर? नाउ पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल, यू शुड बी नोइंग इट, अंडरस्टूड? सो आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज पे आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। अब मैंने बताया नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, और हम उनको कैसे यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ओके, क्लियर, फाइन। मेनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट कहीं कहीं पे जो है डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, वी यूज इट यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, मस्ट बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स टू यूटिलाइज इट इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। अब ऐसे भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आप मान लीजिए रॉक हो गया, कोल हो गया, है ना, इसको हम टेक्नोलॉजी और टूल के थ्रू हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि वो हमारे यूज में और ज्यादा आ जाए, और ज्यादा अच्छे से आ जाए। ओके, तो ये भी आपको जानना है। एंड दे आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, जैसे ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ऑफ ओरिजिन मोड ऑल्सो, स्टॉक मोड ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूटेड मोड ऑल्सो। ओके, ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट। ओके, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होती है, आप वर्ड से समझने का कोशिश करो, एक्चुअल, जो एक्चुअल है, जिसकी क्वांटिटी हमको पता है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी वी नो दैट दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, जिसकी क्वांटिटी, देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, क्वांटिटी पता होनी चाहिए, दूसरा अभी प्रेजेंट में यूज में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट्स यू नीड टू नो। तो एग्जाम्पल, डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, हमको क्वांटिटी पता है कहाँ है वो, कितना है वो, किस एरिया में है वो, और ये भी पता है कि प्रेजेंट डे में वो यूज हो रहा है, नेचुरल है, तो सॉइल इज नेचुरल रिसोर्स ना, तो ये आपका एक्चुअल रिसोर्स हो गया। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमको तो नहीं पता है और अभी वो यूज भी नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द प्रेजेंट। क्यों यूज नहीं हो रहे हैं भाई, इसलिए क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी वैसी हम नहीं ला पाए हैं कि इस रिसोर्सेस को हम यूज कर सकें। एग्जाम्पल, अभी अभी यूरेनियम मिला था ना लद्दाख में, द वन हु आर वेरी मच इन टच विथ करेंट अफेयर्स मस्ट हैव न्यू दिस, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज ए पोटेंशियल रिसोर्स बट वी कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी, दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन हार्नेस इट, थ्रू विच वी कैन हम उसको ले सकें अच्छे से, तो इसीलिए जो है ये पोटेंशियल रिसोर्स होता है, मतलब कि इट इज होल्डिंग ए पोटेंशियल, अंडरस्टूड, इट इज होल्डिंग ए पोटेंशियल, फाइन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, टेक 20 seconds, आई एम गिविंग यू टाइम टू रिवाइज एंड देन वील मूव अहेड। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है एक बार फिर से आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, and then we'll be moving ahead, ठीक है।
चलिए, अब बारी आती है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन हाउ वी कैन क्लासिफाई। तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन दो ग्रुप्स होते हैं, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक का मतलब तो यू आर, आई होप कि आप लोगों को एबायोटिक तो पता ही होगा, दैट आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जिनमें जान नहीं है। एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, रॉक्स। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग, जैसे इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, जिनमें जान है ऑब्वियसली। चलिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या मतलब होता है। देखिए, पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू का मतलब क्या होता है कि अगर वो खत्म हो जाए तो हम उसको रिफिल कर सकते हैं, जैसे एयर, सोलार एनर्जी, वाटर, राइट ना। ऑल दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट, अभी ये खत्म नहीं हो सकते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि हाँ ये वाटर को प्रॉपर यूज करो, अदरवाइज इट विल फिनिश फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बट ये अभी नहीं होंगे, उनका जो एंड है वो बहुत दूर है, जो हम खुद भी नहीं जानते हैं। तो वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तब तक हम उनको रिफिल कर सकते हैं। ओके, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर और विंड एनर्जी। अब आप कुछ भी करो, सन को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अब आप यहाँ पे आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करो, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग करो, सन को फर्क पड़ रहा है? दे विल प्रोड्यूस, द सन विल प्रोड्यूस इट्स एनर्जी, सोलर एनर्जी, इट डजेंट हैव एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन इन दैट, यू कैन से। तो सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, वैसे ही विंड एनर्जी हवा को कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, दे आर अनलिमिटेड। वाइल केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, बट इफ इफ वी अगर लेकिन हम इसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज गलत तरीके से करने लगे, जैसे एयर, जैसे वाटर हो गया, वाटर को अब आप खुला पड़ा हुआ है नल, बंद कोई कर ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल दिक्कत होगी। सॉइल, सॉइल में इंडस्ट्रियल वेस्ट आके अगर पूरा ड्रेन कर रहे हैं सॉइल को, तो सॉइल तो खराब होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड, बट ओके दे आर, बट केयरलेस यूज ऑफ दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो अफेक्ट देयर स्टॉक, मतलब उनकी जो मात्रा है, जो क्वान्टिटी है, दैट कैन बी अफेक्टेड, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या है, नॉन रिन्यूएबल, उल्टा, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। अभी आपको लग रहा है कोल बहुत ज्यादा है, कोल कैसे खत्म होगा, यू कैन थिंक दैट, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट पे आने के बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनकी भी एक डिफाइंड क्वांटिटी है। अभी नहीं लग रहा है आपको, अभी आपके आसपास के फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है एक्सपायर होता हुआ, बट इन द कमिंग फ्यूचर्स, इन सम ईयर्स, अब आपको फिर न्यूज में आने लगेगा कि कोल क्वांटिटी हैज बीन डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज, ठीक है। सो वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल। मैंने बताया नॉन रिन्यूएबल का मतलब है, अब कोल है, खत्म हो गया कोल, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको कभी जिंदगी में ही नहीं ला सकते, लेकिन ला सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगेगा भाई लाने में, तो इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोला गया है, कि मतलब कमिंग फ्यूचर में वी कैन नॉट हैव इट। ओके, कमिंग फ्यूचर में वी कैन नॉट हैव इट, फाइन। सो आई होप कि यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। सो दिस इज द थिंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माय लैपटॉप गॉट डिस्चार्ज, सो आई वाज कनेक्टिंग इट। हाँ, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि द रिसोर्सेज विच विल रिन्यू बट इट विल टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, तो भैया उतना साल तो क्या पता ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोला गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। तो पहला है आपका यूबीक्यूटस। यूबीक्यूटस का मतलब क्या है, इस वर्ड से आप क्या समझते हो, डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है यूबीक्यूटस की, हर जगह प्रेजेंट हो, है ना। द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर,
दैट इज अब एयर, अब आप घर पे हो आपको एयर मिलेगी, रेस्टोरेंट जा रहे हैं यू विल गेट एयर, स्कूल जा रहे हो यू विल गेट एयर, यू आर गोइंग टू आई एस कोचिंग यू विल गेट एयर, यू आर गोइंग टू एनी ट्रिप यू विल गेट एयर. सो दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूबिक्विटस प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर वाटर एटसेट्रा. ऐसा थोड़ी ना है कि आप यहाँ घर पे पानी पीने को मिल रहा है बट इफ़ यू आर प्लानिंग ए ट्रिप टू मनाली देन यू विल नॉट गेट वाटर. ऐसा तो नहीं होगा, वहाँ पे भी आपको पानी मिलेगा. सो दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर इज यूबिक्विटस. सेकेंड इज लोकलाइज्ड. वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दिस इज कन्फाइंड टू द लोकल एरिया ओनली, एक पर्टिकुलर एरिया में ही है वो. ठीक है, एग्जाम्पल में कॉपर आयरन ओर एटसेट्रा. ठीक है, जैसे कॉपर आयरन ओर जो है हर जगह नहीं मिलेगा आपको. अब आप कॉपर आयरन ओर ये सब आपको झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, क्योंकि दे आर द हब ऑफ दैट. वहाँ पे उनकी ऐसा उनके कंडीशंस ही हैं जो इनके डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, तो कॉपर आयरन ओर यहाँ मिलेगा. नाउ इफ़ यू आर, अगर आप सोच रहे हो कि भाई कॉपर आयरन ओर मिले आपको त्रिपुरा में, तो दैट इज़ नॉट द केस बिकॉज इट इज़ लोकलाइज्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलेगा. तो ये आपका होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ओवर द अर्थ, येस, एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड. बहुत सारे जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ओके सॉरी, फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेरेन हो गया, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है. टेरेन मतलब क्या होता है, लैंड कैसा है. पहाड़ी एरिया का टेरेन माउंटेनियस है, लैंड प्लेन का प्लेन है, और ऑल्टीट्यूड कैसा है, क्लाइमेट कैसा है. ये सब चीज़ें जो है रिसोर्सेज को वो करती है. जैसे मैंने बताया आपको कि कोल जो है वो कोल, कॉपर आयरन ओर कोल एक कन्फाइंड जगह में मिलते हैं क्योंकि उस जगह में वैसे उनको कंडीशंस मिलती हैं. ओके फाइन, सो दिस इज द थिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ह्यूमन मेड रिसोर्स. मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू अगर हम कोई रिसोर्स बनाते हैं तो वो HMR हो जाता है. क्लियर, अंडरस्टूड, ओके. नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. वेरी अ गुड एग्जाम्पल. आयरन ओर का क्या यूज है भाई, आयरन ओर से आयरन निकलता है. ये जब लोग जानने लगे तब आयरन ओर की महत्व हुई ना, तब वैल्यू बढ़ी. तो वही बोला जा रहा है कि नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्स तब बनते हैं जब उनका फॉर्म चेंज होता है. जैसे आयरन ओर हैज गिवन आयरन, देन इट बिकेम वैल्यूएबल. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड बाई ह्यूमन रिसोर्स. ओके नाउ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स तो हम समझ गए, अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है. पीपल यूज द नेचर इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग देयर नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी. और इसीलिए जो है ये ह्यूमन रिसोर्स होता है. मतलब पीपल को बोला जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स, क्यों, क्योंकि वो अपना दिमाग, नॉलेज, अपनी स्किल और अपना टेक्नोलॉजी लगा के चीज़ों को बना रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ह्यूमन बींग्स. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग प्रॉपर एंड वैल्यूएबल रिसोर्स. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ. अगर आप पढ़े लिखे हो तभी आप ह्यूमन रिसोर्स बन पाओगे, क्योंकि अब तभी तो आप दिमाग लगा पाओगे ना कि हाँ ये चीज़ की ज़रूरत है तो आपने ये क्रिएट किया. और अगर आपके पास एजुकेशन है लेकिन आप दिन भर बीमार रह रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऑलवेज इन स्ट्रेस, ऑलवेज हेडेक, विल यू बी एबल टू इम्प्लीमेंट द एजुकेशन विच यू आर हैविंग, विल यू बी एबल टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज, नो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है. क्लियर. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब एक ये न्यू वर्ड है HRD, है ना. क्या होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, मतलब कि जो पीपल की जो स्किल है उसको भी अच्छा करना. ठीक है, पीपल का जो ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसको भी और अच्छा करना ताकि और भी अच्छी चीज़ें बने, वो क्या है आपका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्लियर, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ कंजर्विंग रिसोर्स, वेरी बेसिक पॉइंट. अब इतना आपने समझ लिया रिसोर्स के बारे में,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना है हमको, है ना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज रिसोर्स कंजर्वेशन। ध्यान से यूज करना और बहुत समय तक यूज करना, ऐसा नहीं कि फट फट करके उसको बर्बाद ही कर दिए, तो वो आपका रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर नीड्स। यूपीएससी मेन्स एग्जामिनेशन में कहीं पे भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है, सो यू विल राइट दिस डेफिनेशन ओनली। ओके, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी कैन कंजर्व रिसोर्स। एंड वॉट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स वाइटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट। ये सब आपके प्रिंसिपल्स हैं। अब आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको समझाने का कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल हों, मतलब अभी तो यूज में आ ही रहे हैं लेकिन हम उसको प्रिजर्व करके भी रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ मिले। डाइवर्सिटी कंजर्व्ड रहे और डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट भैया कम होता रहे। क्लियर? सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर, वेरी गुड स्टार्ट ऑफ योर क्लास 8th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। आई होप कि यू लव दिस चैप्टर, गॉट टू नो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स, गॉट टू नो मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल। सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आई हैव टॉट यू हियर, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिवाइज इट, टू मेक नोट्स ऑफ इट, एंड डोंट forget to make the full utilization of your mind maps also. Clear? वो इसीलिए हम create कर रहे हैं ताकि आपको revision में आसानी हो, कि आप NCERT का lecture देखो, mind map पढ़ो, आपका खत्म। ठीक है, तो आप consistent रहिए तो आप देखिएगा आपके knowledge में बहुत change आएगा। So with this I am ending the lecture. We'll meet in the next lecture for sure. Thank you.